ये कमाल है, मेरा मॉन्स्टर बस पूरा होने ही वाला है, मैं साइंटिफिक कम्युनिटी में फेमस हो जाऊंगा। फिर वो सब मेरी इज्जत करेंगे। आपका कोई जवाब नहीं, आपका कोई जवाब। मेरा मॉन्स्टर अभी भी बहुत धीरे चलता है। बिल्ले, सबसे तेज जानवर कौन सा है? बस एक आंख वाला तेंदुआ सबसे तेज है। मुझे बचाओ। वाह, इतना तेज कि रुक ही नहीं पाता। बढ़िया, जल्द तुम जंगल में सबसे तेज बन जाओगे। तुम कौन हो? मैं एक आंख वाले तेंदुए जी की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं उनके लिए तोहफा लाया हूँ, मैं इसे देना चाहूंगा। वो हैम्स्टर जरूर बॉस की अच्छी नजरों में आना चाहता है। जानता हूँ, वो काम तमाम कर देगा। शायद बॉस को वो पसंद आ जाए, तब तो हमें लात मार कर निकाल दिया जाएगा और हमारे पास घर भी नहीं बचेगा। हमें उसे रोकना होगा। तुम हमसे क्यों गुजरना चाहते हो? क्या क्या तुम हमसे बच के जाना चाहते हो? लाजवाब, आप दोनों की सुनने की शक्ति कमाल है। एकदम सही, हम सिर्फ आवाज सुनकर ही शिकार कर सकते हैं। कानों का कमाल। तुम यहाँ से निकल जाओ। क्या चल रहा है? हे बॉस। तेंदुआ। हे बॉस, ये हैमस्टर मिला, फॉरेस्ट में छुपते हुए जा रहा था। हम इसे निपट लेंगे। क्या ये सच्ची मुच्ची आप ही हो? मैं तो आपका बड़ा फैन हूँ, आपके लिए तोहफा लाया हूँ, आपको जरूर पसंद आएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप इतने अच्छे दिखते हैं और चालाक भी हैं। शांत रहो चूहे, तुम हमारे बॉस को उल्लू नहीं बना सकते। मैं खूंखार भी हूँ। अपना तोहफा मुझे दो। बॉस रुको। आप उस पे भरोसा नहीं कर सकते। बॉस, क्या कर रहे हो आप? दोनों हटो, निकलो यहाँ से। सरताज मैं हूँ, तोहफा दो मुझे। देखते हैं इसके अंदर क्या है। बाय बेवकूफो। क्या किसी ने मुझे उल्लू बनाया? उधर ही रुको। ये क्या? ये मुझे क्या हो गया? अब वो पहले वाली जान नहीं रही ना। अंकल, उसके पीछे जाओ जल्दी। जी बॉस। मेरे पास तुम दोनों के लिए भी तोहफा है, ऑनियन स्मोक बम। मुझे लगता है मैंने किसी को सुना। मैंने तो सुना था कि तुम्हारी आँख ठीक हो गई है, फिर ये आई पैच क्यों? मेरी आँखें बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे जादुई मधु ने तो कमाल कर दिया, पर मैं फिर भी आई पैच पहनता रहा। मैं अब अच्छे से देख सकता हूँ, लेकिन आई पैच हमें एक उड़ते हैमस्टर ने धोखा दिया है। पता था उसके इरादे ठीक नहीं है। एक उड़ता हुआ चूहा? हमें और बताओ। तो ये सब हुआ। कलेक्टर, मुझे नहीं लगता कि गरमजन तुम्हें छोड़ेगा। क्या मेरी शक्ति जा चुकी है? अगर तुम्हें अपनी शक्ति वापस चाहिए तो तुम्हें कलेक्टर को तोड़ना होगा। बिल्कुल सही, और हम तुम्हारी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुशबू तो गरमजन की लगती है, शायद उसका लैब आसपास होगा।
सुना तुमने? उस तरफ। ए, रुको, यहाँ जाल बिछाया हुआ है। डब्लू को सुला देने वाली गोली मारी गई है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हमें गरमचंद और बिल्ला के निकलने का इंतजार करना होगा, फिर हम अंदर घुस जाएंगे और इसके डिवाइस तोड़ देंगे। हमें पता है वो कलेक्टर कैसा दिखता है, हम उसे ढूंढ सकते हैं। प्लीज हमारे बॉस का ध्यान रखना। बॉस यहाँ देखो, ये वही दोनों गिदड़ है। वो जरूर तेंदुए की शक्ति वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हें सबक सिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इनकी शक्ति अभी छीन लेते हैं। कुछ मिला क्या? नहीं, तुम्हें? बस, वो कोई तरह हमारे जाल में फंस चुके हैं। देख रहा हूँ। हाँ, एक जाल है। तुम दोनों यहाँ फिर से? ओ, ठीक है। तुम अपने बॉस की शक्ति वापस लेने आए हो। तुम दोनों भी तेज भाग सकते हो। वो कलेक्टर लेकर भाग गए हैं। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें पकड़ लूंगा। बॉस, आप तो उन्हें पकड़ ही नहीं पाए। तुम अपना एक सेकंड के लिए मुंह बंद करोगे? गरमचंद से कोई नहीं बच सकता। तुम रुक क्यों गए? इकट्ठे हो जाओ सब। अब ये क्या है? ए, बबलू, कांपना बंद करो। तुम बहुत मोटे हो डब्लू। वो उल्लू बना रहे थे, अब हमारी बारी है। ठीक है, जल्दी बार। वो क्या है? ये बहुत ही चिपचिपा है और निकल ले रहा। से बचने के लिए कानों का इस्तेमाल करो। दिमाग है तुम्हें? बॉस, इन दोनों गिद्धों की सुनने की शक्ति बहुत तेज है। सुनने की शक्ति? अजीब है। बबलू, पैर ऊपर। बाय बबलू। लगता है मैंने फिर से तुम्हें चकमा दे दिया। है गिदड़ो, इधर देखो। तुम्हारे लिए एक और तोहफा। ये लो। मैंने कर दिया। बढ़िया काम किया। नन्नी बिल्ली, आ मुझे चाहते हो तुम? क्या तुमने जंपिंग जपा गेम सुना है? तुम्हें बहुत पसंद आएगी। जंपिंग जपा गेम? मैं हार नहीं मानूंगा। ये
जमाना रोबोट्स का है। रोबोट्स अब इंसानों की जगह पर काम करेंगे। हाँ, शायद वो एक टूर गाइड रोबोट बनाए। ये तो सुनने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। वो काम करेगा और मैं आराम करूंगा। ये अब तक के बेहतरीन ख्यालों में से एक था। इसकी वजह से मैं मालामाल हो जाऊंगा। ठीक है, तो तैयार। हेलो, लखा के वर्चुअल टूर में आपका स्वागत है। ये तो बढ़िया है, मैंने ये कर दिखाया। जाकर जंगल में सबको दिखाता हूँ। ऑटो गाइड, और तुम इसका क्या करोगे? धूम, ये कुछ सोच रहा है। एक बार कोशिश तो करो। ये लो। ये है क्या? मेरी नई खोज, लखा का वर्चुअल गाइड। लखा वर्चुअल गाइड, ये काम कैसे करता है? ये बताएगा कि टूरिस्ट को कहाँ जाना है और वो वहाँ आसानी से पहुँच जाएंगे। तो कैसा लगा? मैं अब भी नहीं समझ पा रहा। फिशिंग ट्री में आपका स्वागत है। एक विश मांगो और ये पेड़ आपकी विश को पूरी करेगा। सोच समझ कर ही मांगना। ये पानी का झरना ऊपर पहाड़ियों से गिरता है और ये देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इल्यूजन फॉल्स में आपका स्वागत है। वाह, ये कितना सुंदर है। आपका दिन इस फूल की तरह सुंदर हो। शानदार कमल के तालाब में आपका स्वागत है। परछाई वाली गुफा सबसे अजीब जगह है। यहाँ पर यात्रा करने के लिए आपको बहादुर होना पड़ेगा। लखा, ये चीज का तो कोई जवाब ही नहीं। सच में अच्छा इन्वेस्टर हूँ। शुक्रिया। ये चीज तो मार्केट में आग लगा देगी। पर लखा, मुझे लगता है तुम्हें टूरिस्ट को खुद ही टूर करवाना चाहिए। क्या होगा अगर? चिंता मत करो, सब कुछ बढ़िया रहेगा। आज का दिन मस्त रहा। अब ये सिर्फ मेरा है। अम्मा, जरा मेरे नए वर्चुअल टूर को देखिए। ये एक नई खोज है जिससे टूर गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये केवल 5,000 रुपए का है। मुझे नहीं लगता। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमें घुमाना नहीं चाहते हो? नहीं 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 नहीं, नहीं। लखा के वर्चुअल टूर में तो कोई नुकसान नहीं होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यही अब भविष्य है। बस एक बार ट्राई तो करो। वैसे लगता है मजा आएगा, क्यों ना आजमाते हैं। ठीक है, हम जाकर देखते हैं। आपको बहुत मजा आएगा। 100 मीटर तक सीधे चलो, वहाँ पर आपको इल्यूजन फॉल्स दिखेगा। ये बहुत ही शानदार है। वाह, कितना खूबसूरत है। वाटरफॉल के पीछे एक गुफा है। अच्छा है कि आपके पास रेन कोट है, नहीं तो आप गीले हो जाते। जरा संभल कर, परछाई वाले गुफा में आप प्रवेश करने वाले हैं। ये सुंदर दिखने वाली गुफा आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यहाँ बहुत अंधेरा है, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि आप फ्लैशलाइट यूज करें। बाएं तरफ जाइए और आराम से जाइएगा। ये जगह तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मुझे भी चाहिए। यहाँ पर ये तो मैंने कमाल कर दिया। जाने पर आपको बंदर का घर दिखेगा। जरा देखो, वहाँ पर बंदर है। लगता है वो थके हुए है। भालू का घर दिखेगा। आप पहले ही भालू के घर को ढूंढ चुके और उन्हें जगा चुके हैं। भालू? यहाँ आसपास भालू हो सकते हैं। चलो, मैंने सुना है कि यहाँ के भालू इंसानों से बात करते हैं। पर वहाँ पर तो डुगू का घर है। टूरिस्ट लोग तो जल्दी आ रहे हैं। कितना शोर मचाते हैं ये। अभी थोड़ी देर और सोने का समय है। डब्लू, उन टूरिस्ट ने मेरे खेत को खराब कर दिया। लखा ने जंगल खराब ना होने का वादा किया था, पर उसने हमें फिर से झूठ बोला। मुझे बताए, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उनके साथ नहीं है। वो बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे। डब्लो, चलो लखा के पास। क्या बात है? टूरिस्ट कोरी जोन में जा चुके हैं। क्या? तुम
तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहा होगा? लगता है कि उसके डिवाइस में कुछ गड़बड़ी है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा। मैं खुद जाकर उसे रास्ता दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, तुम उसे डरा दोगे। पिंकी तुम जाओ। ये काम नहीं कर रहा। बंदर जाओ, वो वापस मुझे यहाँ पिंकी सवाल नहीं दिखा। अब चलो लखा को ढूंढते हैं। मैं आ गई दोस्तों, मैं उनसे पीछा छुड़ाकर आ गई। आपको मिलेगा टाइगर स्टोन। ये क्या कह रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम किसी और जगह चलते हैं। हाँ? क्या ये चलता भी है? आप परछाई वाली गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। ये सही नहीं है, ये ऐसा क्यों कह रहा है? गुफा अभी दूर है। हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये चीजें बहुत खतरनाक है। इस खोज की वजह से मैं अपना खुद का एक आइलैंड खरीद लूंगा। तुम्हारा वर्चुअल गाइड किसी काम का नहीं है। क्या? बिल्कुल नहीं, मेरी खोज कमाल की है। तुम बस मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। तुम्हारे महाराज ने बोल दिया है, जैसा कि सबको पता है मैं हमेशा ठीक होता हूँ। तो कभी कभी तुम गलत भी हो सकते हो। क्या किसी ने नोटिस किया? टूरिस्ट किसी भी प्रकार का फर्क नहीं बता सकते। ये अब सुरक्षित नहीं है, कोई कोर जोन में खो गया था। ये गाइड तो बस अपने हिसाब से चल रहा है, इसमें मेरी गलती नहीं है। वो शायद इसे ध्यान से सुन ना रहे हो। तो इसमें मेरी कहाँ से गलती हुई? तुमने सुना मैंने क्या कहा? बाय भालू। लखा, लगता है लखा को किसी की पड़ी नहीं है। पिंकी, तुम्हारे महाराज को केले चाहिए। आकाश, आकाश कहाँ हो तुम? अब अंधेरा हो रहा है, अब मैं क्या करूँ? ओ आकाश, मैंने तो उन्हें रास्ता दिखाया था। उसका दोस्त लापता है, शायद वो कहीं खो गया है। जाओ जाकर लखा को बताओ। ठीक है महाराज, आप लखा का यही इंतजार करना। ठीक है, डब लो, चलो उसके दोस्त को ढूंढते हैं। ओह बिल्कुल। आकाश, वो आ रहा है। टूर गाइड, मेरी मदद करो, मेरा दोस्त खो गया है, हमें कुछ करना होगा। ठीक है, शांत हो जाओ। ये उन्हें लोकेट कर रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ढूंढ सकते हैं। तो जरा इसका कमाल देखते हैं। चलो भी, देखा मैंने तुमसे क्या कहा था। अजीब है, ये सही रास्ता दिखा क्यों नहीं रहे हो? इस तरफ। हे सुनो, मेरे लिए रुको। वो बस पास में ही होगा, सिग्नल यहीं पर बता रहा है। चलो हे, रुक जाओ। चलो भी। टूर गाइड, जोर से लगी। क्या तुम ठीक हो? हाँ, वो तो यही बता रहा था। वो पत्थर के अंदर तो नहीं हो सकता। चलो भी, वो कहाँ चला गया? मैंने कहा था ना ये काम नहीं कर रहा। अपना मुंह बंद रखो और मेरी मदद करो। हे बबलू, मुझे वो मिल गया। देखो वो वहाँ नीचे है, लगता है उसे चोट लगी है। अभी उसे ऊपर लाना होगा। जाओ जाकर बेल लेकर आओ। आखिर वो कहाँ चला गया? अगर वो नहीं मिला तो तुम्हारे बॉस को कॉल करते हैं। मेरे बॉस को? मेरे पास नंबर भी है। नहीं नहीं, मुझे बबलू और डब्लू की बात मान लेनी चाहिए थी। ये तो वही है, कह दो कि तुमने उन्हें ढूंढ लिया। हे, मेरे लिए रुको जरा। ओ आकाश, क्या सच में तुम ही हो? मुझे देख रहे हो तो जरा, मुझे मेरी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। इसकी वजह से मैं अपना रास्ता भूल गया और चलते चलते यहाँ पर आकर गिर गया। मुझे याद है कि दो बड़े हट्टे कट्टे इंसानों ने मुझे बचाया। तो यही सब मेरे साथ हुआ। ये नॉर्मल है, तुम ठीक हो। माफ करना, आपको यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, ये सारी मेरी गलती है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं जब अगली बार आऊँगा तो मुझे अच्छा टूर गाइड देना, समझे ना तुम लखा? हाँ, जैसा तुम कहो मेरे दोस्त। अब ये लखा अपने पुराने अवतार में आएगा। हाँ,
मिस्टर बिल्ले के बीमार होने की वजह से अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। लगता है अभी अभी कोई यहाँ से गुजरा है। अब मेरा ट्रैप यहीं से शुरू करना होगा। क्या चल रहा है? अरे लखा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस नए जंगल की रक्षक की मदद कर रहा था। जरा रुको, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो करमचंद? वो क्या है, तुम पीछे क्या छुपा रहे हो? ये कोई जाल है ना? नहीं नहीं, तो मुझे दिखाओ। पैसे? तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी चालाकी समझ नहीं आती? अरे नहीं, ये ग्लू सुपर स्ट्रॉन्ग है, मैंने ही बनाया है। तो अब हम क्या करें? खींचो मत मुझे। कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लान है। क्या तुम तैयार हो? एक, दो, तीन। अब बस हमें इस बर्फ को तोड़ना है। मुझे लगता है कि हमें किसी की मदद चाहिए। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था, वो तो जंगल की पार्टी में गए हुए हैं। लगता है तुम्हारे दिमाग में स्टोरेज की कमी है, तुम्हें अपग्रेड करना होगा। सही कहा, मैं इतना बुद्धू कैसे हो सकता हूँ? आज तो मुझे बहुत सारे काम थे, समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं ट्रैप्स तो नहीं लगा सकता, पर लखा के साथ रहकर मैं जानवरों के घर में कलेक्टर लगा सकता हूँ। चलो भी लखा, कुछ सोचो। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, मुझे भी लोगों की मदद करना पसंद है। ये जितना बनता है उतना अच्छा है नहीं, दाल में कुछ काला है। ठीक है। सुनो लखा, टूर गाइड बनने के लिए तुम अनफिट हो। पैदल चल कर देखो, तब जाके पता चलेगा। चिंटू के घर चलते हैं। मैं थक चुका हूँ, मैं और नहीं चल सकता, मुझे थोड़ा आराम करने दो। बढ़िया आइडिया है। शकरगन, क्या तुम्हारे यंत्रों में से एक है? क्या नहीं, ये तो एक शलगम के आकार का मसाजर है, बैक के लिए। क्या तुमने सच कहा? चलो मुझे दो। नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हें मजा आया? चल ले कसम है, चलो। ठीक है, चलो चले इस तरफ। पर रुको, मेरे पास राजकुमार के लिए तोहफा है, मैं रख देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। पर मुझे रखना है, मुझे रखने दो। एक मुझे दे दो। नहीं, तुम नहीं खा सकते। मुझे दो। नहीं, तुम्हें नहीं मिल सकता। मुझे दो इसे, जल्दी करो। क्या ये भी मसाज करने वाला यंत्र है? सही कहा। आखिरकार हमने सारे घर जांच लिए। इतनी जल्दी तुम कोई घर भूल रहे हो? याद करो। हे, हमें बस अभी इसकी परवाह करनी चाहिए। आइडिया, चलो। तुम बस रुको। हम बस यहाँ से मेरे लैब जा रहे हैं ताकि इसका इलाज ढूंढ सकें। क्या हम पहुंचने वाले हैं? हाँ, बस पहुंचने वाले हैं। इसे तो कोई शक ही नहीं हुआ। एक नदी, आगे बढ़ो। गंदा कीड़ा है। हे, ला 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 ला।
वो वहाँ पर देखो। तुम्हारा बाया पैर धीरे धीरे संभल कर। बबलू, सब कह रहे हैं कि लखा और करमचंद अब दोस्त है, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, पर लखा ऐसा क्यों करेगा? लखा और करमचंद दोस्त, ये कैसे हो सकता है? क्या है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? हम आ गए। अंदर जाने के बाद तुम सिर्फ 6 बार सांस ले सकते हो, वरना मेरे लैब में तुम्हारे सांसों की बदबू आ सकती है। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो कितना बदमाश है लखा। ये सब क्या है? तुमने गरमचंद का हाथ क्यों पकड़ रखा है? हम दोनों ने हाथ नहीं पकड़ा, हम बस चिपक गए हैं। और ये बहुत ही बुरी बात है। हमें तो कुछ और ही लगा था। डब्लू, चलो इनकी मदद करते हैं। रुको जरा, इसमें ये लोग कुछ नहीं कर सकते, हमें अंदर जाना। और रुको जरा। लखा, ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? लैब में खतरा हो सकता है। तो रुको, मैं मदद करता हूँ। छोड़ो मुझे। ये तो बॉस की आवाज थी। बॉस, वो कहाँ है? बॉस, इनकी इतनी हिम्मत, अकेले बॉस को देखकर उन पर हमला कर दिया। अभी दिखाता हूँ सबको। बॉस, मैं आ रहा हूँ। बॉस, मैं आ रहा हूँ। हे, मेरे बॉस से दूर हटो। जाओ, कोई गलत फहमी हुई है? झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ तुम लोगों को। डब्लू, तुम ठीक तो हो ना? गरमचंद, उठ जाओ। तुम्हारा लैब खतरे में है। लैब को क्या हुआ? बिल्ले, बस करो, सब ठीक है, ये मेरी मदद कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं? मैं आ रहा हूँ। सॉरी, मैं हीरो की तरह छलांग लगाने वाला था। रुको, रुको, मेरे लैब पर नहीं। लखा, मेरी मदद करो। मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, वो भी मेरे लैब को बचाने के लिए। हम जंगल को इस तरह बर्बाद नहीं होने दे सकते। चलो चले। चलो शुरू करें। जब सब कुछ ठीक है तो तुम सबको मेरे लैब से दूर जाना होगा। अब छोड़ो भी। सही कहा। और उस तूफान को मत भूल जाना। देख लो, तुम्हारा लैब ठीक तो है ना? हाँ, वो मैं देख लूंगा। मुझे बस वापस अपने लैब में। लगता है मुझे यही रहना चाहिए।